ये है हमारी स्प्लेंडर, सॉरी R15 R1। अब तुम यहाँ देख रहे हो क्या मीटर काम नहीं कर रहा है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम। मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके सेवन राइडर। तो भाई तुमने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमने ले ली भाई स्प्लेंडर, और इसमें आने वाले भाई बहुत से तगड़े तगड़े मॉड्स, मतलब मॉड्स वाली वीडियोस। और अभी यार हम जा रहे हैं इस बाइक को चेक कराने के लिए, इसका हाजमा चेक करने में क्या गंदगी है। तो अभी जाना हमको है अपने, जिसके में हमने लाइट वगैरह फिट करवाई थी। वैसे तो आज शॉप यार शनिवार है, आज शॉप वगैरह नहीं खोलता है, लेकिन उसने बोला कि यार मैं शॉप पर बंद कर चला गया हूँ, तो मेरे घर को आ जाओ, आ जाते हैं। तो भी फटाफट चलते हैं। सोच रहे होगा कि यार भाई आज से टोपी भी लगा के जैकेट मैंने कहाँ को जा रहा है भाई। आज भाई ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, सुबह तो भाई तो मस्त कोहरा वोरा हो रहा था, अभी तो भाई थोड़ा मौसम खुल गया है, खुला गया भाई। ऊपर ना बादल ही है, चेक कर रहे हो, ऊपर ना पूरे बादल है भाई गंदे वाले। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा धूप ऊपर जाती तो बढ़िया चलते, तो यार धूप तो आई नहीं है, लेकिन यार ब्लॉग तो बनाना ही है, तो हमने सोचा चल लेते हैं फटाफट ऐसी। बाकी ठंडा बहुत है भाई आज लिटरली। तो बाकी तुम लोग मुझे बताना कि भाई तुम जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ ठंडा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी बिना किसी तरीके चलते हैं और निकलते हैं भाई। ये है हमारी स्प्लेंडर, सॉरी R15 है, ये R15 है इसका नाम, आज से R15। बाकी यार मैंने और मेरे भाई ने इसका नाम सुना था लाडो, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना इसका नाम जो लाडो है कैसा लग रहा है भाई। तो अपनी बाइक का नाम लाडो रखेंगे आज से, और चलते फटाफट में लाडो को लेकर डॉक्टर के पास, ताकि इसका थोड़ा पता लग जाए खर्चा पानी कितना चाहिए इसमें अभी, और अंदाजा हो जाएगा कि यार जब सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो अभी ना किसी देरी के चलते हैं फटाफट से, और तुम्हें मिलते हैं भाई रस्ते पर। चेक करो मेरे भाई निकल चुके भाई रस्ते पर, और भाई ठंडा है तनाना भाई। मैंने कहा तू चला गाड़ी भाई, मैं तुझे चला रहा हूँ, बिकॉज आज करना पड़ जाना यार। अभी चला रहा भाई, भाई मजा आ रहा है। टैक्सी आओ, 10 रुपये की पेप्सी हमारी लाडो टैक्सी, तो ऐसा लिखाएंगे भाई हमारी बाइक में, 10 रुपये की पैक्सी, 10 रुपये की पेप्सी भाई लाडो टैक्सी, बताना भाई ये लिखवा दे, मज़ा आ जाएगा। तो बाकी भी चेक करो भाई, ठंडा ठंडा हो रहा भाई हर जगह। ये भी चेक करो भाई, अभी ना आगे हल्की हल्की, ये चेक करो भाई, तुम लोग का प्यार यहाँ इतना है, तुम लोग का प्यार ही इतना है ना भाई। ठंडा भी गर्मी में मतलब आया भी धूप बदल जाती भाई। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, ऐसा प्यार दिखाया करो अपने भाई की वीडियोस में और चैनल पे। अगर नए हो भाई से भी भाई, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। पुराने हो तो भाई थैंक यू आपको बहुत बहुत, फिर भी अपने भाई की वीडियो को शेयर कर देना भाई। तो बाकी भी चेक करो भाई, मस्त एकदम बाकी ठंडा वैसी है भाई भी। ये बस समझना ठंडा चला गया, ठंडा भी वैसी है भाई। बाकी भी चल रहे भाई मौज काटते हुए स्प्लेंडर पे, स्प्लेंडर का ना फील अलग है भाई। जो बंदे देख रहे हैं जिनके पास स्प्लेंडर है, वो बता रहा है कि स्प्लेंडर गाड़ी कैसी है। मेरे को तो लगता रहा भाई ये गाड़ी ऑलराउंडर है, तू बताओ कैसी है। ऑलराउंडर है नहीं मतलब ये गाड़ी ऐसी है, इसका हैंडल नीचे कर दो भाई ये वो हो जाती है, हैंडल ऊपर कर दो बन जाती है, नीचे कर दो R5 बन जाती है। मेरे को ऑफ रोड चला लो बैठ कर भाई, मजे ही मजे गाड़ी में। और तेल का खर्चा सब लोग बंदे सोच रहे होंगे इस बंदे ने भाई साहब 100 cc की गाड़ी क्यों ले ली, स्प्लेंडर स्प्लेंडर वगैरह। तो भाई तुमको इसकी स्पीड चेक कराता हूँ, यहाँ दिखाओ एक बार। इसका जलवा 140 भागती भाई, ये चौथे गियर पे भागी भाई, बहुत खतरनाक भाई है ये। 70 का एवरेज दे देती है, ऊपर से 140 भाग जाती है चौथे गियर पे भाई। क्या लोगे इससे ज़्यादा गाड़ी में तुम यार। तो चलते हैं भाई डॉक्टर के पास, मतलब बाइक के डॉक्टर के पास, बाइक नहीं भाई लाडो, लाडो के डॉक्टर के पास चलते हैं, और वहाँ चेक कराते हैं भाई आपको उसमें क्या क्या काम करवाना है भाई। चेक करो भाई, हमारे डॉक्टर साहब मिल गए हमको, ये देखो घूमने जा रहे थे, रोक लिया हमने इनको। ये भाई देखो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, हमको खाने को दे देते हैं ऐसे, बोला ना तुम खा लो ये चेक करो।
तो बाकी अभी डॉक्टर साहब ले रहे टेस्ट ड्राइव गाड़ी की और उसके बाद बताएंगे भाई इसकी रिपोर्ट। 140 आती है, आराम से लाना। 650 इनलाइन 4 इंजन है इसके अंदर। वेरी डेंजरस। तो बाकी भी चलेगी भाई, किनको आने देते हैं उसके बाद देखते हैं भाई, पता करते हैं यार क्या क्या खर्चा होने वाला अपनी गाड़ी पे। बाकी इंजन में तो मुझे लगता नहीं कुछ काम वाम है, तो क्या लगता है। बाकी आ गए भाई, बहुत जो इसमें डेंटिंग पेंटिंग है मतलब की दिक्कत है थोड़ा, हम भी बता देते हैं। पहली चीज़ तो इसमें ये है ना कि इसको हैंडल है ना भाई, वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ रेंज चला जाता है ये। तो देखना भाई, ये देखो ये इस गाड़ी का हैंडल इतना मुड़ता था भाई, ये देख रहे हो, ये देखो भाई। तुम्हें मतलब कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसका हैंडल इतना मुड़ता, ये देखो भाई पूरा मुड़ जाता ना कहता था भाई इस तरफ मुड़ के ना ना भाई, क्योंकि इसमें जो ऐसा ना सीन शॉट किया है बता दूंगा मैं, नक्के होते हैं ना भाई लॉक वाले ना वेल्ड कराना है, प्लस इसमें जो यहाँ पर कोई नट वगैरह ये सिस्टम है ना ये थोड़ा घिसा विसा है, तो ये भी पड़वाना है, ठीक करवाना है। वैसे काम चल जाएगा लेकिन यार थोड़ा सा हमको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक थोड़ा काम में परफेक्शन ना आए, तो इस वजह से थोड़ा पूरा नया पड़वाएंगे इसको, यहाँ पर को अंदर का नया पड़ेगा, बाकी बाहर से तो ठीक ही है। इंजन सही है, ये भी चेक करो यार, यहाँ से भी टूटा है बॉडी, मतलब ये सुना बॉडी लगभग लगभग पूरी नई पड़ने वाली है, ये दो वो दो, मतलब जिस सेट में हमको मिली है ना उस सेट के हिसाब से तो ठीक ही है, इतना मिल गया वो काफ़ी है। बाकी ये हेड भी नया पड़ेगा, सब सेटिंग वेटिंग होगी। फिलहाल अभी हमको इसमें काम करवाना है भाई, इसके हैंडल का और बाकी थोड़ा बहुत जो फूटर्स का काम है वो, और इसका गियर लीवर भी जो है ना भाई ये बड़ा खतरनाक सा है, बड़ा पीछे गियर पड़ा था लेकिन पता नहीं लगता है, तो सब चीज़ें चेक करवानी है ये भी। बाकी हमने यार ओवर मतलब ऊपर ऊपर खर्चा पूछा है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं बैठ रहा है इसकी, मतलब हमने पता करा कि इसको मतलब ये है ना हैंडल वाला एरिया है, प्लस इसका थोड़ा बहुत फूटर्स वगैरह का काम है और प्लस थोड़ा वायरिंग वायरिंग का काम है, तो बोल रहे कि 1500 के आसपास खर्चा आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तो आने वाले वीडियो में हम कई करवाएंगे, तो बाकी चलते हैं अभी फटाफट घर की तरफ को। बाकी गाड़ी तो ओके, इंजन वगैरह भी दिखा दी हमने इसका, तो उन्होंने बोला कि इंजन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी चलते हैं फटाफट घर की तरफ को और लेते हैं भाई स्प्लेंडर का मज़ा। भी आए हुए भाई, इसमें थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग काम है, टेपिंग वेपिंग का सोच रहे कि इसमें ग्लॉस ब्लैक वाला या प्रिंट कर लें या फिर रैप चढ़वा लें, तो प्राइसिंग वगैरह पता करना है, देखते भाई क्या सीन बनता है अभी। तो बाकी भी पता कर लिया भाई यहाँ पर को अपने टेपिंग होगी प्राइस, भाई उन्होंने बोला कि यार मतलब 500 रुपये का खर्चा आएगा, तो लगभग एक मतलब अच्छी खासी लुक का खर्चा है तुम्हारे बाइक में, तो मिनिमम अभी हमको 4000 रुपये के आसपास खर्चा करना पड़ेगा इस बाइक पे। और बाकी तुम्हें मैंने बता दिया कि भाई इसमें ये दिक्कतें हैं, एक बार रुकते कहीं पर तुम अच्छे से बता दो कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, और कभी तुम कोई सेकेंड बाइक परचेस करोगे भाई जो मतलब बहुत ओल्ड मॉडल है, हमारे तो 2009 मॉडल है, अगर तुम कभी कोई बाइक परचेस करोगे तो भाई ये चीज़ का ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूँ। तो भाई चलते हैं, कहीं पर रुकते हैं चाय वगैरह पीते हैं, मैं पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चल पहुँच गए भाई शॉप पर, और यहीं पर कोई थोड़ा सा रिव्यू वगैरह देते हैं अपनी बाइक का, चेक करो भाई। मैं सोच रहा हूँ ना घर चलते हैं आराम से, वहाँ पर थोड़ा शोरगुल भी कम होगा, यहाँ पर ना बगल में स्कूल वगैरह है तो थोड़ा आवाज़ वगैरह आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ घर चलते हैं आराम से, तो वहीं पर जाके बताएंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए एक सेकेंड हैंड बाइक परचेस करने से पहले। चलते हैं फटाफट से घर को, तुम्हें सर घर पर मिलते हैं भाई। तो बाकी भी घर पहुँच गए हैं, बाकी इसका इंजन तो ओके है, विली विली पॉप जा रही है, इस पर चेक करें भाई, चेक कराओ, ये चेक करो भाई, थोड़ा सा क्लच का काम है, क्लच का काम हो जाए ना उसके बाद प्रॉपर विली पॉप हो जाएगी इसमें मस्त। तो अभी तुम्हें बताते हैं, हैंडल जरूर पकड़ना। हाँ हैंडल भाई, मेरा भाई जानता है उसको कैसा हुआ था। वो वीडियो मैंने कभी अपलोड ही नहीं करी भाई। तो बाकी भी एक चीज माने ट्री देखो, ए चलाओ, ये देखो ये है भाई मैनुअल। बाकी तुम्हें बताता हूँ कि भाई राजा चौधरी का सिब्बू जैसा तो भाई तू मुंह से भर दे इसमें। तो बाकी तुम्हें बता दो कि भाई तुम्हें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक बाइक पर भाई। सबसे पहली चीज़ में तुम्हें ध्यान देनी वो चीज़ है भाई कि तुम्हें गाड़ी किस प्रस्पेक्टिव से चाहिए भाई, ये चीज़ का ध्यान देना। देखो हम के लिए हमको क्यों चाहिए थे, अरे यार गाय भी हमको क्यों चाहिए थे, हमको चाहिए थे सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए, तो इसलिए हमने इसकी बॉडी पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसकी बॉडी में ना बहुत क्रैक है। ये देखो एक यहाँ टूटा है और ये पीछे वाला, ये तो ऐसे निकल जाता है खींच के, ये देखो ये ऐसे निकल जाता है, और ओहो ये तो लग भी नहीं रहा, और बाकी ये भी यहाँ पर टूटा हुआ है, ये देखो। तो हमको बॉडी से उतना कुछ करना नहीं था, हमको मेन चाहिए था बस इसका इंजन, और जो कि इंजन हमको अच्छा खासा रेट में मिल गया, पूरी बाइक जो भी अच्छे खासे रेट में मिल गई है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो तुम्हें अब बताता हूँ, और वो मैं बताएगा मेरा भाई। देखो सबसे मेन चीज़ चाहिए था इंजन गाड़ी की, अगर ये चीज़ टूटा है या वो चीज़ फूटा है वो जो फूटा उससे कुछ नहीं होता, मेन चीज़ होती है इंजन। इंजन जो इसका है ना तुमको इस चीज़ चेक कराता, अभी देखो 2009 मॉडल है और इंजन शायद एक या दो बार खुला बस। देखो बैग देख रहे हो, बुलेट से भी तकड़ा है।
की भी चेक करो, तुम्हें दिखाते हैं इसका सिंगल किक में स्टार्ट गाड़ी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन चीज़ होता है ना, एक चीज़ भी दिखाता हूँ, जैसे बाकी मैंने दोस्तों की स्प्लेंडर क्लास में ना स्टार्ट करता हूँ, हल्की रेस देरी ही पड़ती थी। ये देख लो मेरा हाथ अभी खाली पकड़ लाओ, क्योंकि ऊपर ना मेरे ऊपर कर देखो, ये है ये देख लो, अभी भी हाथ ऊपर ही है, ये देखो छोड़ दिया है। इतनी प्ले है इसमें, मतलब सिंगल किक में भाई प्रॉपर गाड़ी स्टार्ट है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं इसके इंजन में, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे 2009 का मॉडल है तो यार गाड़ी अब कौन सी बात धुआं मारती है, इसका धुआं चेक करेगा, एक चूरा धुआं नहीं है भाई, एक चूरा 2009 की गाड़ी है, तुम यकीन नहीं करोगे, एक धुआं नहीं है इसमें भाई। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार गाड़ी में। इंची सबसे पहले गाड़ी में इंजन दे दो, हाँ इंजन का काम है, इसकी चेंजिस की, हाँ चेंजिस सबसे मेन चीज। अगर चेंजिस में तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे वेल्ड है या फिर कहीं क्रैक क्रैक है, क्रैक है तो गाड़ी वैसे छोड़ दो, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंटल है। अब हाँ, कौन सी बात, तो छुओ मत। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा चांसेस यही होता है यही टूटता है सामने की चीज़, बाकी अगर पीछे टूटी हो तो अलग बात हो जाती है। फिर दूसरा अपना वही आ जाता है, फिर बॉडी वगैरह आती है, देख लो हाँ सस्पेंशन लीक है इसका, हाँ एक सॉकर लीक है इसमें, वही गौर कर लिया था मेरा क्या बोल, ये जो लेफ्ट वाला सॉकर ना थोड़ा लीक है, थोड़ी रिपेयरिंग मांग रहा है, 100-150 रुपये का ठीक हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें एक मेन प्रॉब्लम है जो कि मैंने पहले बता दिया, इसमें खाली हैंडल का जो काम है वो करवाना है, मतलब उसमें ही थोड़े पैसे लग रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो फुट रेस्ट वगैरह है वो चीज़ करवानी है, इसका हैंडल का मेजर प्रॉब्लम है, बाकी सबसे माइनर है, छोटे मोटे तो सारी गाड़ी में दिक्कत वो तो, हाँ वो तो ठीक हो जाएगी। बाकी किसका ये ठीक कराना है, हमें मीटर भाई का, मतलब मेन बात ये है ना, गाड़ी हमको मिली है परफेक्ट कंडीशन, मतलब परफेक्ट नहीं होगा, ठीक कंडीशन में मिल गई हमको गाड़ी, इसे कोई ज़्यादा इंजन में कुछ काम करवाना नहीं है इसके, ठीक है मेन चीज़। और देखो भाई हिंदुस्तान जो देश है ना भाई, ये है जुगाड़ का देश, अब तुम यहाँ देख रहे हो क्या मीटर काम नहीं कर रहा है स्पलेंडर में, तो पहली बात इसका ये मीटर देते ही नहीं तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं होता कुछ, सही बताऊँ, क्योंकि इसका माइलेज है भाई, माइलेज की बाप है, तो ये माइलेज बहुत अच्छा है इसका, तो अगर ये मीटर नहीं भी देखोगे होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अल्टरनेट बेस को ठीक करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, इसमें हम ब्लैक रैप कर देंगे, बाकी इसकी जो सुई है ना भाई, ये सुई 110 से होती है, तो इसलिए 140 से पहुँच जाती है, इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ को घुमाना है बस, तो बाकी मीटर वगैरह सब सही है, बाकी इसमें कुछ करवाना नहीं है, करवाना है तो बस एक हैंडल का काम करवाना है, थोड़ा बहुत फूटर्स वगैरह करवाना है, और बॉडी किट जो है ना भाई वो पता करनी पड़ेगी भाई कितने की पड़ती है अपने लोकल एरिया पे या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में। मुझे बताना कि अपनी लाडो कैसी लग रही है आप लोग को, अभी तो भाई बिल्कुल स्टॉक है, और कुछ टाइम मैंने बहुत ज़्यादा खतरनाक बनने वाली, जानलेवा एकदम कातिलाना बनने वाली है, तो अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो ऐसे ही हंसते रहो खेलते रहो मेरे ब्लॉग्स देखते रहो, आपसे मिलता हूँ, ये देखो उसको देखो इसको देखो, ये आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक का स्टूडियो ना, जय श्री राम भाई।